यूपी की मथुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। श्रीकांत शर्मा पर बिना प्रशासन की इजाजत बाकलपुर गांव के स्कूल में चुनावी सभा करने का आरोप है। वह श्रीकांत शर्मा ने अपनी सफाई में यह कहा है कि उन्होंने सिर्फ गांव वालों से मुलाकात की, किसी तरह की कोई सभा नहीं की। श्रीकांत शर्मा ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता भी हैं। बौखलाहट है और यहाँ पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी पर्दे के पीछे से ये सब काम कर रही है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इस बार उनका जाना तय है। जैसे बुआ की 12 में विदाई हुई थी, वैसे ही 17 में बबुआ की विदाई तय है। मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज करा लो, लेकिन मेरे खिलाफ ब्रजवासी पूरी तरह से लामबंद है, क्योंकि ब्रजवासी इनको पूरी तरह से अच्छे से मालूम है कि ब्रज को विकास करने से कोई ना रोक सके। ठाकुर जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है, षड्यंत्र तो है। आप जब आप मिल रहे हैं लोगों से और मिलने पर भी आप FIR दर्ज कर रहे हैं, कोई सभा तो नहीं थी, कोई लाउड स्पीकर नहीं था, आप गाँव के लोगों से कहाँ मिलेंगे? आप मतलब गांव के लोगों से आप नहीं मिल सकते। जवाहरबाग के अंदर 200 एकड़ में कोई अपराधी जमीन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कोई आम जन, गरीब का बेटा, गांव का बेटा, पार्टी ने जो सम्मान दिया है, बौखलाहट में है और कुछ नहीं है। दोनों युवराज बौखलाहट में है। और आचार संहिता उल्लंघन के और मामले हैं। नोएडा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में जाम लगाने और आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। DND पर सुनील चौधरी के समर्थकों ने जाम लगाया। जाम में फंसे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सुनील चौधरी के समर्थकों की 8 गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली। आपको बताएं कि सुनील चौधरी के समर्थक नोएडा DND पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। DND पर 2 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा जाम लग गया था, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतें हुई। आधे घंटे से भैया, क्या आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा की गुंडाई तो नहीं है जिस तरह से जाम लगा रखे ये लोग समर्थक? गुंडाई है भैया, जाम लगा रहे तो गुंडाई है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? भैया यही पास से आ रहे हैं। नोएडा जा रहे हैं? 15-16 मिनट हो गए। ये समर्थकों का जोर जबरदस्ती है, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए।